अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों में जोरदार लामबंदी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एससी और एसटी वर्गों में सब कैटेगरी बनाई जा सकती है। अब अलग भील प्रदेश की मांग कर रही राजस्थान की भारत आदिवासी पार्टी ने भी कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 कोलेजियम जजों के फैसले से हम असहमत हैं, क्योंकि न्यायपालिका में एससी एसटी वर्गों की नुमाइंदगी के बिना आरक्षण पर फैसले का न्यायपूर्ण होना असंभव है। पार्टी ने सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हुए ये भी लिखा कि जिनके पूर्वज सामाजिक अन्याय के दोषी हैं, उनके अनुवंशिक पूर्वज पूर्वाग्रही भेदभाव के बिना सामाजिक न्याय नहीं दे सकते हैं। पार्टी ने ये तक भी लिखा कि ये अप्रवासी लोगों की धूर्त मानसिकता का परिचायक है। इधर भारत आदिवासी पार्टी नेता और बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने कहा है कि 7 कोलेजियम जजों द्वारा आरक्षण संबंधी फैसला फूट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा देना प्रतीत होता है। हम मानते हैं कि एससी एसटी वर्ग में दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। इस स्थिति में क्षेत्र के हिसाब से बंटवारे के लिए हम सहमत हैं, लेकिन जातियों को सब कैटेगरी में बांटने की नीति से मैं असहमत हूँ। दरअसल एससी एसटी वर्गों के संगठन ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोटे में कोटा बनाकर आरक्षण देने की यह व्यवस्था विभाजनकारी है। इससे दलित वर्गों की अलग अलग जातियों के बीच की दरार बढ़ जाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि एससी एसटी जातियों के बीच बढ़ती एकता के कारण डिवाइड एंड रूल की नीति को अपनाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि एक पॉलिसी हमने अंग्रेजों के समय से सुनी थी, डिवाइड एंड रूल। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एकजुटता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों में हो रही है, उसको तोड़ने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इख्तियार किया जा रहा है। अभी मुझे इसमें यह भी जानकारी करनी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जिन जजों ने ये ऑर्डर किया है उसमें से एससी एसटी के कितने, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वर्गीकरण करना ही चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। भाई वहां तो लंबे समय से कुछ ही परिवारों का कब्जा किया, और चलो एससी एसटी ओबीसी को तो आप घुसने नहीं दे रहे हो, लेकिन क्या सामान्य जाति के और लोगों में अवसर नहीं है? तो उनको भी आप मौका नहीं दे रहे हो। तो अगर आपको करनी है किसी वर्गीकरण की शुरुआत, तो शायद वहीं से की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई दलित एक्टिविस्ट अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र मीणा ने ऐलान किया है कि वो आदिवासी समाज की ओर से कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत आदिवासी पार्टी में इस फैसले के बारे में आम राय हो। सैलाना से पार्टी विधायक कमलेश्वर डोडियार कोर्ट के फैसले के समर्थन में उतर आए हैं। फैसले पर टिप्पणी करते हुए डोडियार ने लिखा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम बहुत स्वागत करते हैं। इस फैसले से अत्यंत गरीब मजदूर वर्ग के बच्चों को अधिकार मिलेगा, वहीं आदिवासी दलित अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों के अधिकारों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। डोडियार ने यह भी लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब आदिवासी और दलित वर्गों में बेघर मजदूरों के बच्चों को भी शिक्षा और नौकरी में आरक्षण का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एससी एसटी वर्गों में एक कैटेगरी बनाकर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने की इजाजत है। ओबीसी पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी पर भी लागू होता है। कोर्ट के इस फैसले का अर्थ है कि आरक्षण के पहले से आवंटित प्रतिशत के भीतर एक अलग आरक्षण व्यवस्था लागू करना, ताकि आरक्षण का फायदा समाज के सबसे पिछड़े और उन जरूरतमंद समूहों तक पहुंचे जो आरक्षण प्रणाली होने के बाद भी उपेक्षित रह जाते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद एससी एसटी तबके के भीतर उन अलग अलग समूहों को भी आरक्षण मिल सकता है जो सामाजिक या आर्थिक तौर पर ज्यादा वंचित हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और सामाजिक हालात को देखा जाए तो ये साफ होता है कि सभी एससी एसटी जातियां एक समान नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये स्पष्ट हो गया है कि राज्य सरकारें एससी और एसटी में सब कैटेगरी बना सकती हैं, जिससे राज्य सरकारें अधिक जरूरतमंदों को आरक्षण का फायदा भी दे सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देश की दलित और आदिवासी राजनीति में काफी उठापटक होने की संभावना है, क्योंकि अब केवल दलित और आदिवासी एक समुदाय नहीं रह जाएगा, इनमें भी अलग अलग वर्ग खड़े हो जाएंगे। ऐसे राज्य जहां दलित और आदिवासी आबादी अच्छी खासी है, वहां अलग अलग उपजातियों के नेता उभर सकते हैं, जिसका असर चुनावी राजनीति पर भी पड़ना तय है। बहरहाल दलित संगठन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 21 अगस्त को भारत बंद की तैयारी भी कर रहे हैं।
चुनाव आज तक।